नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, यहाँ पे DELED के एग्जामिनेशन फी को लेकर जो बड़ा बदलाव हुआ है, और यहाँ पे देखें तो जब शिक्षक जो है एग्जामिनेशन फॉर्म को भर रहे थे तो बार बार यहाँ पे सर्वर डाउन हो रहा था। तो दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। दोस्तों, अगर ये देखें तो भास्कर.com से ये न्यूज़ लिया गया है और ये MP यानी मध्य प्रदेश का ये रिपोर्ट है। इसमें देखें तो हेडलाइन दिया गया है, सर्वर डाउन, DELED परीक्षा के फॉर्म नहीं भर पाए कई शिक्षक। तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक वैसे हैं जो कि DELED के एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर पाए, क्योंकि काफ़ी देर तक देखें तो सर्वर यहाँ पे डाउन चल रहा था। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब आप रात में ट्राई करेंगे तो आपका सर्वर वहाँ पे डाउन हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी फॉर्म का जो लास्ट डेट होता है उस दिन रात में जो काफ़ी सारे लोग उस दिन फॉर्म को भरते हैं तो उस दिन रात में जो उसका सर्वर डाउन हो जाता है। और नीचे देखें तो डिटेल में जो लिखा गया है, DELED परीक्षा के आवेदन के दौरान बार बार सर्वर डाउन होने से शिक्षक परेशान हैं और वे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मंगलवार को आखिरी तारीख है, यदि तारीख आगे नहीं बढ़ी तो कई शिक्षक फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 6 तारीख यानी 6 मार्च जो इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, कि आप बिना लेट फाइन के जो है 6 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिन्होंने भी कल तक फॉर्म भर लिया तो ठीक है, अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो आप अभी भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ₹100 पर सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होगा। और आगे लिखा है, प्रभावित शिक्षकों ने आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षकों ने जो है तारीख बढ़ाने का मांग किया है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और नीचे देखें तो आगे लिखा कि अगले साल से स्कूल में पढ़ाने के लिए BEd और DEd जरूरी होगा, इसके बगैर कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे। DEd करने में ज़्यादा राशि ना खर्च करना पड़े, इसके लिए सरकार DELED करवा रही है। तो यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि जो DELED जो करवा रहे हैं सरकार करवा रही, ताकि जो है आपको DEd करने में जो है यहाँ पे ज़्यादा राशि खर्च करना ना पड़े। और आगे लिखा है, 3800 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो यहाँ पे देखें तो ये MP का एक स्थान का बताया जा रहा है कि वहाँ से 3800 शिक्षकों ने आवेदन किया था। आवेदन के बाद परीक्षा के लिए अब 501, 502 और 503 प्रश्न पत्र के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि DELED का जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है तो वो 501, 502 और 503 का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो भी फाइनल एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें आपसे जो 501, 502 और 503 का ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। और आगे लिखा है, इसकी आखिरी तारीख 6 मार्च है, लेकिन सर्वर डाउन होने से शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने ये बताया कि काफ़ी सारे शिक्षक जब फॉर्म को भर रहे थे तो उनका सर्वर वहाँ पे डाउन हो रहा था। जैसा कि कल आप लोगों ने काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट्स किए थे, जैसा कि आप लोगों का यहाँ पे कहना था कि आप लोग जब फॉर्म भर रहे थे तो सर्वर इरर दिखा रहा था, तो यहाँ पे कल शाम में जो है सर्वर यहाँ पे डाउन चल रहा था। सोमवार को भी सर्वर डाउन रहा और शिक्षक को दिक्कत आई। तो यहाँ पे देखें तो सोमवार को, मंगलवार को, दोनों दिन जो यहाँ पे रात में सर्वर यहाँ पे डाउन चला, और दिन में भी जो है यहाँ पे कभी कभी सर्वर यहाँ पे डाउन हो रहा था। और आगे लिखा है, मंगलवार को रंग पंचमी है, इससे ऑनलाइन केंद्र बंद रहेंगे और शिक्षक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिला नोडल अधिकारी रामेश्वर चौहान ने बताया कि आखिरी तारीख मंगलवार को है, मुख्यालय को इसकी जानकारी दी है, तारीख वहाँ से ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट नोडल कोऑर्डिनेटर है उन्होंने यहाँ पे बताया कि तारीख जो है वो ऊपर से ही बढ़ेगी, यानी जो भी NIS का हेड ऑफिस है तो वहाँ से ही तारीख को बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे DELED की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो DELED की वेबसाइट खुली हुई है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी ये नोटिस नहीं दिखेगा कि आपका जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म का जो डेट था उसका डेट यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे देखें तो जो लास्ट डेट जो पहले दिया गया था कि 6 तक जो है आप बिना लेट फाइन के यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, तो अभी भी वही डेट है। तो आज देखें तो आज 7 मार्च है, आज से आपको यहाँ पे लेट फाइन देना पड़ेगा, यानी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट जो है ₹100 यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो कि NIS के द्वारा एक नोटिस निकाला गया था, जैसा कि मैंने कल भी आपको दिखाया था, तो यहाँ पे देखिए जो कि एक डेट दिया गया था, यहाँ पे देखें तो 15/2/2018 यानी 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो है आप बिना लेट फाइन के फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि बिना लेट फाइन के आपको यहाँ पे ₹250 पर सब्जेक्ट देने होते थे। लेकिन अब जो है आपको यहाँ पे यानी कि 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो है आपको ₹350 पर सब्जेक्ट देने होंगे, यानी आज से आपको जो है पर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ₹350 पे करने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कल या परसों अगर आपने फॉर्म भरा था और आपका यहाँ पे पेमेंट जो है इरर दिखा रहा है, या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है, यानी कि जब आप DELED की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस जो है कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है 1-2 दिन वेट कर लें। अगर आपका पैसा जो है अगर NIS तक नहीं पहुँचा होगा तो वो आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन बातें जो आपको बतानी थी कि यहाँ पे जो भी डेट था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का वो यहाँ पे नहीं बढ़ा है, अब आपको यहाँ पे ₹100 जो पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल अगर देखें तो आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ₹350 यहाँ पे करने होंगे।
तो यही था आज का बड़ा अपडेट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। आगे जो भी अपडेट आता है आपको इसी तरह से हमें वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।